बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अपना YouTube चैनल बना चुके हैं, वीडियोस डाल रहे हैं और आप लोगों को व्यूज़ की ज़रूरत है, चैनल को प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग YouTube एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, YouTube एड्स के लिए आपको YouTube एड्स को आपने ओपन कर लेना है। ये आपके सामने YouTube एड्स यानी youtube.com/ads के नाम से आप ये URL ओपन करेंगे। इस URL को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आप लोग ग्रो यूअर ये देख सकते हैं, आप लोग के बिजनेस विद YouTube एड्स, के आप अपने बिजनेस को YouTube एड्स से ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे है बिजनेस को, तो किसी भी आप वीडियो के ऊपर आप लोग ऐड लगा सकते हैं और उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको सिंपल ये करना है कि स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट नाउ के ऊपर। तो मैंने स्टार्ट हम क्लिक कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों से ये आपकी आईडी के बारे में कंफर्म करेगा। आपके अगर आपने पहले से कोई कंपेन चलाई हुई है तो आप लोग जो है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। और न्यू गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर आपने क्रिएट अ न्यू गूगल एड अकाउंट अगर बनाना है तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको एक ही चीज़ आपके सामने लेके आएगा कि आपने अपनी आईडी चूज़ करनी है कि जो आपका चैनल बना हुआ है जिस आईडी के ऊपर आपने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आप गूगल एड्स पे जाएंगे तो आपको ये आपसे पूछेगा कि अब आप लोग अपनी ट्रैफिक जो है वो कहाँ लाना चाहते हैं, किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अब ये देखें, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यानी आपका फोकस जो है वो किसके ऊपर है। ड्राइव वीडियो व्यूज़ एंड ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, यानी आप अगर कोई अपनी वीडियो जो है उसके जो व्यूज़ हैं वो किसी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। हैव योर एड ऑटोमेटिकली प्ले बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर अ वीडियो, तो आपका एड जो है वो ऑटोमेटिकली चलेगा वीडियो के अंदर, उससे पहले या उसके बाद में। और अगर आप अपने चैनल को या अपनी वीडियो को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की, वीडियो को प्रमोट करने की, व्यूज़ लाने की अपनी वीडियोज़ के ऊपर, तो हम इस पर आएँगे, ठीक है। हम करेंगे ड्राइव वीडियोज़ व्यूज़ एंड एंगेजमेंट विद योर चैनल। यहाँ पे अब आप अपनी वीडियो को पेस्ट कर सकते हैं उसके यूआरएल को या सर्च कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वो उस वीडियो को देखें ला के आपके सामने सर्च कर देगा कि ये है वीडियो कि डू यू गेट पेड बाय यूट्यूब, ठीक है। तो क्या आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो। अब मैं इसके ऊपर व्यूज़ लेना चाहता हूँ, इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाउ डू यू वॉन्ट यूअर एड टू अपीयर, ठीक है, कि आप ये कैसे चाहते हैं कि आपका किस तरह से ऐड अपीयर हो, और मोबाइल पे और डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आप दोनों को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें इस थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी आ रहा है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये देखें ये क्लियर हो गया यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे साथ मैंने ये लाइन बिठाया हुआ है, तो अगर आप इस ऑप्शन पे देखेंगे तो देखें बीच में से ये लाइन भी यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से खाली लाइन मौजूद है इस तरीके से। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यू जो है वो वहाँ पे आप लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आपका एड आएगा आपके सामने। एंटर अ हेडलाइन, ये वो हेडलाइन है जो आपके YouTube की जो टाइटल होता है वो यहाँ से वो पिक कर लेगा।
और इसके बाद डिस्क्रिप्शंस आपने यहाँ पे लाजमी देनी है कि आप लोग जो, और ये 35 करेक्टर्स की होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे डालेंगे कि जो वीडियो है ये किसके ऊपर है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेक मनी एट होम, ठीक है। अब ये लाइन भी देखिए रिक्वायर्ड थी और ये लाइन भी रिक्वायर्ड है, लिखा हुआ रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि आपको ये कीवर्ड लाजमी, जो इन कीवर्ड्स को आपने, यानी इस जगह पे आपने लाजमी कुछ भी टाइप करना है, और ऐसा टाइप करें कि जो एक कीवर्ड हो जिसके ज़रिए आपका ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक्टिवेट हो सके, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया है अर्न फ्रॉम होम, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आप लोग आप नेक्स्ट पे क्लिक करें आगे। अब आपके सामने आ रहा है कि आपने अपने ऐड को कहाँ पे चलाना है, प्रमोट करना चाह रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं एस्टिमेट वीकली परफॉर्मेंस ये आ रही है आपके सामने, इम्प्रेशन आपको मिलेंगे। अच्छा, अब ये याद रखिए कि इसने इम्प्रेशन देने होते हैं, व्यूज़ ने खुद, व्यूवर्स ने आपके उस ऐड के ऊपर क्लिक करके आपको व्यूज़ देने होते हैं। इनका काम आपको इम्प्रेशन देना है, ना कि व्यूज़ ला के देने, ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने आपको इम्प्रेशन ही देने होते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड लैंग्वेज करता हूँ कि मुझे ज़्यादातर जो मेरी वीडियो जो हैं यानी उर्दू में है, तो मैं उर्दू को ले लेता हूँ, और बीच में से इंग्लिश को अगर मैं निकाल देता हूँ, तो देखें मैंने खाली उर्दू ले लिया और पाकिस्तान कंट्री के ऊपर मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप देखें मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट द जेंडर, एज, कौन लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने यहाँ पे आगे नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो ये आपके सामने आ रहा है कि अब आपने के नाउ टेल अस इफ़ यू वांट टू रीच पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो चैनल है इनमें किसी इंटरेस्ट पे वो आ सकता है, तो उनको भी आप अलग अलग ले सकते हैं, उन चीज़ों पे आप ला सकते हैं। जैसे मेरे पास जो चैनल है ये आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने वो टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दी है साथ में, कि ये भी, ये लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए मेरी जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ आगे, अब ठीक है। अब आपको ये ऑलमोस्ट डन, सेट अ बजट दैट्स राइट फॉर यू, अब आपने बजट सेट करना है जो आपके लिए ठीक है। रन कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा ऐड लगा दिया तो वो चलता रहेगा, और सेलेक्ट एंड एंड डेट को आपने यहाँ पे आप कर देंगे तो आप एंड डेट जो है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ये आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा, और उसके बाद वो आपको ये यूट्यूब इम्प्रेशंस देना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी और ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रेशन जाएगा वहाँ पे, तो ये आपको फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट देगा कि मैंने इतना इम्प्रेशन दिया लेकिन आपको व्यूज़ इतने आए, इतने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, और उसके मुताबिक आगे व्यूज़ जो है वो आपके उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो बात फिर वहीं पे आ जाती है, लास्ट में आपको बताऊं कि इम्प्रेशन दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग मेहनत करें और अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड्स डालें, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस लिखें, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी वीडियोस खुद ब खुद इम्प्रेशन लेना शुरू कर देगी, और परफॉर्मेंस डेली रखें, ठीक है। थोड़ा बहुत इन चीज़ों को भी आप लोग यूज़ करते जाएं, एड्स वगैरह लगाएं, इससे भी आप लोगों के चैनल और वीडियोस को प्रमोशन मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।